ग्रैंड गणेश विसर्जन के पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन सबको अच्छा लगा तो देखो, ये गणेश जी का मतलब लेके जाने का पूरा सेटअप थोड़ा ग्रैंड था, तो ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, मज़ा ही अलग है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये पहले देख लो, सॉरी कॉटन गणेश जी, कॉटन से बनाया मैं पूरा, देखो ऑरेंज रेड फेस और नीचे हाथी का सब फुल मज़े कर रहे थे। तो अब मैं, ये गणेश जी हाथी के ऊपर है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, गणेश जी देखते हैं। देखो लेफ्ट में गणेश जी दिखा आपको, शिव जी के ऊपर ढोलक के ऊपर बैठे गणेश जी, क्यूट थे वो, और एक गणेश जी। तो मैं अब बशीरबाग फ्लाईओवर से उल्टी तरफ जा रहा हूँ, कराची बेकरी की तरफ, जो रास्ता है आने का मेन टैंकमेंट का। तो रास्ते में अपने आप सारे गणेश जी दिखते जा रहे हैं, तो ये रास्ता है, ज़रा देखो अच्छे से, ये देखो और गणेश जी, ग्रैंड ग्रैंड गणेश जी, फाइव फेस वाले गणेश जी। फुल पार्टी का माहौल था, मस्ती का माहौल था, जैसा देखा पार्ट वन में, ये पार्ट टू ये होता, गणेश जी शिव जी और पार्वती जी को लेके एक एक हाथ में अलग तरीके, बहुत कॉन्सेप्ट के गणेश जी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट के, ग्रैंड गणेश जी राजा की तरह बैठे हुए, ऐसे बहुत है। तो ये वीडियो देखो, अच्छा लगे तो बोलना मुझे, एंड बस मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ना वहाँ पे, वो मैं चाहे कितना भी वीडियो दिखा दूँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए जो अच्छा अच्छा लगा वो सब दिखा रहा हूँ। देखो आपको कैसा लगा ज़रूर बोलना मेरे को, और बस और क्या बोलूँ आपको, बस हुआ तो अगली बार जाना ज़रूर, ये ऐसे कोई फंक्शन में, हैदराबाद में तो ये बहुत ग्रैंड लगता है, तो उसमें जाना। अब मेरा फेवरेट सीन, पार्टी वाला सीन, देखो एंजॉय करो। वैरायटी देखो, गणेश जी कलश पे बैठे, ये पहली बार देखा मैं इतने सालों में, ऐसे गणेश जी बहुत कम दिखे थे। वही तो क्या बोलते हैं, फ़ायदा है इस साइड आने का, विसर्जन के दिन हर टाइप के गणेश जी मिल जाते हैं देखने को। तो बस मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, आपको इतनी अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो ये भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ये वाली भी पहले वाली को। ये शायद हनुमान जी, एक क्लैरिटी नहीं थी इसे लिखा नहीं मैंने, हनुमान जी देव कौन थे। अब देखो गणेश जी आएंगे साईं बाबा के साथ, ये भी हो तो जो सेटअप था ना, ये देखो ये भी गणेश जी को खुद खींच के लगा, इनके कुछ लोग बोलते हैं ना पर्सनल, और क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन है कुछ, ऐसा लगा के रखते हैं। ये और थे वो डांस वांस, सब डीजे वीजे डांस वांस के साथ फुल मस्ती माहौल में आ रहे थे। और ये जलसा का राजा लिखा होता ट्रक के ऊपर, अगर आपको पढ़ने में आ रहा लाइट पर दिखा तो फूलों से लिखा था जलसा का राजा। देखो इसमें जलसा का राजा एक गार्डन सा बना रखा है डीजे के साथ, फिर बहुत सारे लोग पार्टी वार्टी लाइटिंग वाइटिंग, पर गणेश जी कहाँ है इसमें, फिर ये गणेश जी थे उनके, मतलब डबल खींच के लेके जा रहे थे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था उनका गणेश जी का। और ये बोल रहे थे भैया कैमरा ला लो, कैमरा ला लो, हम जूम करके दिखाएंगे, और कैमरा लेके भागे, क्या भरोसा किसका, ये गणेश जी और वो स्टैंडिंग गणेश जी थे, तो ऐसे बोलो क्या भरोसा। और यहाँ पे आधा तो प्रसाद भांग भांग मिला के रखते, तो फुल एकदम फुल हाई मोड पर रहते सबके सब अपने, तो वो दिखाना था, ये दिखाना था डांस का। ये देखो कार के ऊपर फुल डेकोरेट करके बाल गणेश जी, छोटे से गणेश जी ना, क्यूट ना, ये अच्छे लगे। बस बहुत ज़्यादा बुरा वाला पार्टी का मूड है, ये सुनो तो जिन लोगों को आइडिया है उन लोगों को बता दूँ, ये अपना जो क्या बोलते हैं कराची बेकरी से बशीरबाग की तरफ का रास्ता है पूरा, वन वे टू वे, तो दोनों तरफ पे के बीच में जो खाली है उस पर बैरिकेड्स लगा के ब्लॉक करके दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी, ट्रक आ रही थी राइट से लेफ्ट से, और मैं बीच में से चल रहा था, दोनों तरफ का अच्छे से रिकॉर्ड करते जो जो अच्छा लग रहा था। और बस ये सब डांस वांस चल रहा था, और एक डांसिंग ग्रुप आ गया यहाँ पे, क्योंकि गुजराती था शायद गाने के सबसे लगा मुझे गुजराती, तो डांस वांस का माहौल, इतनी पब्लिक, इतनी ज़्यादा पब्लिक, सबको मैनेज करना, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, सबको अच्छे से मैनेज हो गया, कुछ हुआ नहीं, हर साल होता, हर साल अच्छे से मैनेज होता। और हैदराबाद में तो ये इवेंट बोलो जो भी बोलो, एक बार अटेंड ज़रूर करना। ये देखो पार्टी पुपर्स फुल डांसिंग हो, क्या मतलब क्या एनर्जी रहती है वहाँ पे, मतलब कितना मतलब तुम वहाँ पर 6-7 घंटे रह लो, कभी थकान की फीलिंग आती नहीं,
देखा ये पार्टी का मूड था, हर कोई अपने अपने गाने बजा रहा, कोई भक्ति के गाने बजा रहा, कोई मूवीज़ के गाने बजा रहे, फुल पार्टी के मूड में मज़े कर रहे, एंजॉय कर रहे। ये गणेश जी के साथ राइट और लेफ्ट पूरे फ्रूट से डेकोरेट करके लाते हैं, ऐसे सेम ऐसी सेम कॉन्सेप्ट के दो दिखे जाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट था। फिर ट्रक वाले हॉर्न मार मार के जाते, तो ट्रक के ऊपर मतलब जो पीछे है उस पर घर सा बना दिया, एक डेकोरेट करके, जैसे बोला था ना अपार्टमेंट में फैंसी डेकोरेशन का कोई कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट इनका बहुत मस्त था। ये और एक डांस मोड आ गया देखा, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट के। और ये सिंगर बोलो ढोल बजाते हुए गणेश जी, नीचे कौन, नीचे दो चूहे सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट के जो देखने को मिलते हैं ना गणेश जी विसर्जन के दिन ही मिलते, क्योंकि ज़्यादा घूमने का झंझट नहीं, एक ही रोड पे खड़े हो जाओ बस गणेश जी आते रहेंगे, देखते रहो। वही नॉर्मल में हर जगह पंडालों जाके दर्शन करने पड़ते हैं उनके, वैसा सीन बस। ये और गणेश जी ग्रैंड पे ग्रैंड गणेश जी चलते हुए आ रहे हैं, अभी नए और एक डबल डेकर ट्रक पहली बार दिखाई इस बार, लास्ट टाइम तक नहीं थे शायद। ऊपर गणेश जी मतलब पूरा नॉर्मली ट्रक पे परिवार आ जाता, अब डबल डेकर में तो सोचा सब फुल प्लानिंग करके बस फुल सेटिंग लगा के पूरे गली के लोग आते हैं, देखो हॉर्न मार के बस घुसे जा रहे थे, बस बहुत भगा के आ रहा था ट्रक वाला, बहुत देर से रुका हुआ था शायद इसलिए। अब सारे गणेश जी आ रहे हैं, उनकी मूर्ति आ रही है अलग अलग टाइप की, बस वही देख रहे हैं, वही एंजॉय कर रहे हैं, बस पर मैं क्या कमेंट्री करूँ क्या बोलूँ, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। वहाँ पे कुछ छः किलोमीटर हो गया था मेरा पूरा चलना फिरना, जो पाँव दुखे थे, पर जो मज़ा आया था वो अपनी तरफ, वो मज़े के कंपेयर कर तो कुछ भी नहीं है। देखो ABCD2 के गाने पर नाचे से फुल पार्टी वाला मूड था, सच में बहुत बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पर और देर भी रुक जाता, मेरा मन तो कर रहा था और 3-4 घंटे रुक जाऊँ, पर बस अब बहुत लेट हो गया था, एक ग्रुप लिया खुद को और फिर बस करके आ गया। देखो और एक ग्रुप गणेश जी, अभी कृष्ण जी के रूप में गणेश जी आ गए, फिर पालकी में आए छोटे से गणेश जी, वो भी दिखा दो, फिर कृष्ण जी, अब देखो पालकी में आएंगे छोटे से गणेश जी। ये देखो जिनको मालूम है ये बिग बाज़ार का सर्कल है, जहाँ से राइट में नाम पर जाता है, लेफ्ट में कोटी और स्ट्रीट, वहाँ पर इतना ट्रैफिक इतने तरीके से भरा होता है, बहुत मज़ा आया बहुत सच में। कोशिश करूँगा अगली बार पूरा दिन ही रहूँ वहीं पर। ये देखो बस मैं क्या बोलूँ, मैं बस स्पीचलेस इतना सब देख के हैदराबाद में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था, आई मीन 2 साल पहले जब मैं गया था, जब मैं रात में नहीं गया था दिन में गया था, टैंकमेंट पे गया था, तो टैंकमेंट पे क्या होता है, वहाँ पे पहले एंटायर गार्डन की तरफ आधे ट्रक चले थे और बाकी के आधे टैंकमेंट, इतना ट्रैफिक और इतने सारे ट्रक्स एक साथ लाइन में नहीं देखे थे उस टाइम। इस बार इस साइड आया ना कराची में, तब तो मालूम पड़ा और है, अभी उसके पीछे और भी आते बुरी तरह, ये जो सिंगर और ढोल बजाते हुए गणेश जी, तो ये इस बार यहाँ पे आया था, पता चला कि यहाँ पे और भी है आगे बहुत बहुत, मतलब मैं रुक गया थक गया बोल के रुक गया मैं, बाकी कितना चल के जाऊँ बोल के, बस ये आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के गणेश जी देखे। ये देखो राजा की तरह बस पधारे हुए गणेश जी, और ये बनते हैं सब कॉन्सेप्ट अच्छे थे, पर किसी के कोई इसका था ये इस कला के था, ये डांसिंग के मूड में फुल, और थोड़े अलग अलग रूप में थे, कॉन्सेप्ट ड्रग्स के थे कॉन्सेप्ट, और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, पर मज़ा बहुत आया था, हद से ज़्यादा मज़ा आया था सच में। फोटो बोल रहे हैं, फोटो लेके क्या करोगे भैया, मैं दूंगा थोड़ी आपको फोटो। ये देखो भूत वाला रूपना देखो राग है, ये भी देखो मेरा फेवरेट कैमरा दिखाने डांसर बन गया, गुजी और फिर वापस पहुँच बस फनी लोग भी मिलते हैं, मस्त लोग मिलते हैं शौक फनी नहीं। ये देखो और गणेश जी फुल ग्रैंड तरीके में लाइटिंग वाइटिंग करके, कैमरा एंगल थोड़ा ट्राई करा इधर उधर से करने की, अब जितना हुआ उतना करा, अच्छा लगा तो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम दूसरे कैमरा एंगल से ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा,
इस बार सेल्फी स्टिक का नहीं हुआ जुगाड़, इसलिए हाथ से करना पड़ा। सेल्फी स्टिक होती तो और थोड़े शायद अच्छे एंगल से आ जाते फोटोज़। तो बस इतनी थी वीडियो, ये पार्ट टू। अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।